सिंघम 3 के सेट पर चोटिल हुए अजय देवगन, रद्द की गई फिल्म की शूटिंग। सिंघम 3 के सेट पर अजय देवगन के साथ एक घटना घट गई है जिसके कारण उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी है। साथ ही रोहित शेट्टी की फिल्म की शूटिंग भी रद्द हो गई है। अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म सिंघम 3 में अपने धागड़ अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने आ रहे हैं। साथ ही अभिनेता फिल्म के हर सीन को खुद से ही परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें बॉडी डबल का उपयोग करने की आदत नहीं है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली इस मूवी की शूटिंग धूमधाम से शुरू हुई थी। हालांकि सेट पर अजय देवगन के साथ एक घटना घट गई है जिसके कारण उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ी है। अजय देवगन की आंख में लगी चोट, रिपोर्ट की माने तो सिंघम 3 के सेट पर अजय देवगन की आंख में चोट लग गई जिसके कारण वह नेत्र विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। अभिनेता को चोट लगने के कारण सिंघम 3 की शूटिंग फिलहाल के लिए रद्द हो गई है। रिपोर्ट में आगे लिखा है, यह संभव है कि अब जब शूटिंग शुरू होगी तो टीम सिंघम 3 पहले हैदराबाद में शूटिंग कर सकती है, क्योंकि वे तारीख 2024 की शुरुआत में कुछ समय के लिए पहले ही तय हो चुकी है। मुंबई शूट जो दिसंबर 2023 के लिए रद्द कर दिया गया है, 2024 के हैदराबाद शेड्यूल की बात किया जाएगा। अजय के बिना शूटिंग मुमकिन नहीं। सूत्र से जब यह सवाल किया गया कि क्या इस बीच रोहित शेट्टी बाकी स्टार के साथ शूटिंग कर सकते हैं, तो इस पर जवाब मिला नहीं। फिल्म में मुख्य व्यक्ति अजय हैं और शेष भाग की शूटिंग में उनकी काफी आवश्यकता है। अन्य सितारों ने अपनी अधिकांश शूटिंग पूरी कर ली है। बहुप्रतीक्षित फिल्म है सिंघम 3। सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कैमियो में टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और श्वेता तिवारी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। यह एक बहुप्रतीक्षित फिल्म है जिसकी फ्रेंचाइजी के पहले दो भाग बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा चुके हैं। इस एक्शन फ्रेंचाइजी की शुरुआत फिल्म सिंघम से हुई, 2011 में रिलीज हुई थी और इसके बाद सिंघम रिटर्न्स आई जो 2014 में रिलीज हुई। इस पुलिस ड्रामा में अजय देवगन बाजीराव सिंघम की मुख्य भूमिका में हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। अगर आप भी सिंघम 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद।